मैं हूँ योशु मायापुरी न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। पैन इंडिया फिल्म लाइगर स्टारिंग विजय देवरकोंडा और अनन्या पांडे सेट है इस साल के अंत में कुछ मैसिव बैक टू बैक एक्साइटिंग अनाउंसमेंट करने के लिए। बता दें कि वेनसडे यानी कि आज से बहुत बड़ा अनाउंसमेंट होने जा रहा है और मेकर्स वहीं कई सारे एक्साइटिंग अनाउंसमेंट करेंगे। 31 दिसंबर को मेकर्स इस फिल्म का फर्स्ट ग्लिम्स भी अनवील करने वाले हैं। अनाउंसमेंट काफी सून होने जा रहा है। धर्मा प्रोडक्शंस ने रिवील किया कि 29 को द बिग अनाउंसमेंट वीडियो सामने आएगा। 30th दिसंबर को एक स्पेशल इंस्टॉलमेंट फिल्टर सामने आएगा और BTS स्टिल्स भी रिलीज किए जाएंगे और 31 दिसंबर को फर्स्ट ग्लिम्स आउट होगा। शाहिद कपूर और मृणाल ठाकुर की फिल्म जर्सी पहले तो 31 दिसंबर को रिलीज होने जा रही थी न्यू ईयर्स ईव पर, लेकिन मेकर्स ने अब डिसाइड किया है इस फिल्म को पोस्टपोन करने के लिए। कई सारे पॉजिटिव केसेस के चलते हम बात कर रहे हैं कोविड की। कोविड केसेस एक बार फिर इंक्रीज होते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके बाद मेकर्स ने डिसाइड किया कि इससे इम्पैक्ट पड़ सकता है फिल्म की रिलीज को, जिसके बाद उन्होंने इस फिल्म को पोस्टपोन कर दिया है। अब ये फिल्म 31 दिसंबर को रिलीज नहीं हो रही। बता दें कि इसके अलावा ऐसे रूमर्स भी आ रहे थे कि ये फिल्म डायरेक्टली OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो सकती है, जो बिल्कुल फॉल्स है। मेकर्स ने क्लियर कर दिया है कि ये फिल्म थिएटर्स पर ही रिलीज होगी। राइजिंग कोविड केसेस के चलते बता दें कि दिल्ली में सिनेमा हॉल्स बंद हो चुके हैं। बता दें कि दिल्ली में क्योंकि सिनेमा हॉल्स बंद हो चुके हैं तो रिसेंटली रिलीज्ड फिल्म्स और आने वाले फिल्मों को काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि दिल्ली की सबसे ज़्यादा ह्यूज ऑडियंस मानी जाती है। वहीं दिल्ली सिटी में काफ़ी बड़े बड़े सिनेमा हॉल्स हैं, तो ये ओवरऑल इम्पैक्ट कर सकता है रिसेंटली रिलीज्ड फिल्म 83 को। वैसे ही हाल ही में ऐसे कई सारे स्मॉल सेंटर्स थे जिन्होंने फिल्म 83 को अपने थिएटर से हटा दिया था और उसके बदले स्पाइडरमैन शोकेस किया था, जिसके बाद 10-15% का डिक्लाइन देखने को मिला था ऑल ओवर इंडिया फिल्म 83 के चलते। रिसेंटली ही ये अनाउंस हुआ था कि एक सीरीज के लिए कोलैबोरेट करने जा रहे हैं शिफाली शाह, कृति कुल्हारी और विशाल जेठवा। बता दें कि ये सीरीज मेडिकल के ऊपर है। ये सीरीज एक मेडिकल थ्रिलर बताया जा रहा है, जिसका टाइटल है ह्यूमन। ये सीरीज काफी ज्यादा थ्रिलिंग और रोमांचक बताई जा रही है। बता दें कि इस सीरीज की रिलीज डेट भी आउट हो चुकी है। ये सीरीज 14th जनवरी को रिलीज होने जा रहा है OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। रिसेंटली बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर खान कोविड से संक्रमित हुई थी। करीना के साथ साथ अमृता अरोड़ा भी कोविड पॉजिटिव साबित हुई थी। दोनों ही काफ़ी अच्छे दोस्त हैं और दोनों को साथ में कोविड हुआ था। पर बता दें कि इसके बाद हाल ही में करीना कपूर का टेस्ट जो था कोविड के लिए वो नेगेटिव निकल कर आया और अमृता भी रिकवर कर चुकी हैं, और उनके रिकवरी के जस्ट बाद दोनों ने एक गेट टुगेदर रखा जिसके पिक्चर्स सोशल मीडिया पर सामने आई। दोनों यहाँ गेट टुगेदर और पार्टी करते हुए नजर आए, जिसके बाद नेटिजन्स ने करीना कपूर और अमृता अरोड़ा को बहुत बुरी तरह से ट्रोल किया कि कोविड से जस्ट रिकवर करने के बाद भी वो पार्टी कर रहे हैं। हाल ही में लेजेंड दिलीप कुमार की डेथ हुई थी। बता दे कि अब रिसेंटली ऐसे खबरें सुनने को मिल रही हैं कि दिलीप कुमार पर एक बायोपिक बन सकता है। जी हाँ, दिलीप कुमार का बायोपिक काफ़ी ज़्यादा अच्छा और इंटरेस्टिंग रहेगा। एज एन एक्टर वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थे और डिजर्व करते हैं एक बायोपिक। इसी के चलते इस बायोपिक की खबरें सामने आ रही हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इस बायोपिक में दिलीप कुमार का किरदार कौन सा एक्टर निभाएगा। कोई पावरफुल एक्टर चाहिए दिलीप कुमार का किरदार निभाने के लिए। वहीं इस रोल के लिए अमिताभ बच्चन यानी कि बिग बी का नाम सामने आ रहा है। बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी अपने सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहती हैं। इंस्टाग्राम पर दिशा पाटनी के 48.3 मिलियन फॉलोअर्स हैं। हाल ही में दिशा पाटनी ने अपने मालदीव्स वेकेशन से एक पिक्चर शेयर की, जिसमें हम उनको बिकिनी में देख सकते हैं। यहाँ हम दिशा को ब्राउन कलर की बिकिनी में साइड पोज करते हुए
देख सकते हैं वो भी इवनिंग के टाइम में। बता दे कि दिशा पाटनी यहाँ पर काफी ज्यादा स्टनिंग लग रही हैं और अपनी टोन्ड बॉडी फ्लॉन्ट करती हुई नजर आ रही हैं। इस पिक के चलते दिशा पाटनी को कई सारे लाइक्स और कमेंट्स मिल रहे हैं क्योंकि ये फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है। आज है ट्विंकल खन्ना का बर्थडे। अक्षय कुमार ट्विंकल खन्ना और अपनी पूरी फैमिली के साथ मॉल्डीव्स में वेकेशन मना रहे हैं अपनी वाइफ के बर्थडे के चलते। वहीं अक्षय कुमार ने अपनी वाइफ ट्विंकल खन्ना को बड़े ही स्पेशल तरीके से विश किया अपने सोशल मीडिया पर। उन्होंने मॉल्डीव्स की एक पिक शेयर की है जिसमें हमें अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना नजर आ रहे हैं, पोज कर रहे हैं वो और मॉल्डीव्स के नज़ारे का मजा भी ले रहे हैं। इस पिक्चर को शेयर करते हुए अक्षय कुमार ने लिखा, With you by my side, even the blues are easy to take in my stride. Happy birthday, Tina. और यहाँ पर अक्षय कुमार ने किस इमोजी भी यूज किया। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट दोनों रवाना हो चुके हैं एक डेस्टिनेशन के लिए जो अब तक डिस्क्लोज नहीं किया गया है। वेल बता दे कि कपल को देखा गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट में मुंबई में और वहीं ये नहीं जान पाए कि वो कहाँ जा रहे हैं। फोटोग्राफर्स ने उनको डिपार्चर गेट में कैप्चर किया। वेल ऐसा बताया जा रहा है कि न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए आलिया और रणबीर कहीं बाहर जा रहे हैं और पेपराजी ने यहाँ पर एक वीडियो भी शेयर की रणबीर और आलिया की जहाँ वो कार से बाहर एयरपोर्ट टर्मिनल में वॉक करते हुए नजर आए। वहीं ऐसे कई सारे लोग हैं इंटरनेट पर जो ये भी कह रहे हैं कि शायद दोनों अपनी शादी के लिए बाहर जा रहे हैं। ईशान खट्टर और अनन्या पांडे के डेटिंग रूमर्स काफी टाइम से चल रहे हैं। दोनों लाइमलाइट पे बने रहते हैं अपनी डेटिंग के चलते। दोनों काफी ज्यादा यंग हैं। मंडे नाइट में दोनों को स्पॉट किया गया स्क्रीनिंग ऑफ जर्सी में। ईशान जो है वो शाहिद कपूर के यंगर ब्रदर हैं। वहीं बता दे कि सबके चलते अनन्या और ईशान को एक ही कार में साथ में देखा गया। दोनों को साथ में देखकर नेटिजंस और फैंस के रिएक्शन सामने आए। यहां पर कपल को रिएक्ट करते हुए फैंस ने कमेंट किया जैसे कि ऑफ हाउ क्यूट दे लुक टुगेदर। दोनों की जोड़ी को काफी ज्यादा अडोर कर रहे हैं नेटिजंस। हाय, मैं हूँ योशु। मायापुरी न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है।